श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बीड महाराष्ट्र में चल रही अभिषेक शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है और अगली कथा के लिए आपको इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन के गैप के बाद 23 अगस्त से शुरू हो जाएगी अगली कथा। इस कथा का नाम है हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा और यह कथा दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था चैनल पर और यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। अब 22 अगस्त को है तिथि भाद्रपद कृष्ण एकादशी और दिन है सोमवार का। तो इस वीडियो में हम आपको इस तिथि को करने वाले 5 विशेष उपाय बताने वाले हैं जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। पहला उपाय, कोई उपाय काम ना करने पर करने वाला विशेष उपाय। दूसरा उपाय, कंकड़ शंकर वाला महा उपाय। तीसरा उपाय, पैसों की तंगी को दूर करने वाला उपाय। चौथा उपाय, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का अंत करने वाला उपाय। पांचवा उपाय, बच्चा गलत मार्ग में जा रहा हो तो करने वाला आसान उपाय। सभी उपाय बहुत उपयोगी हैं और हम उपायों को वीडियो में करके भी दिखाएंगे, तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। पहला उपाय, अगर आपने बहुत सारे उपाय कर लिए और कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है तो आपको महादेव तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नंदी भगवान को प्रसन्न करना है, क्योंकि भोलेनाथ को नंदी भगवान अत्यंत प्रिय है और नंदी भगवान अगर आपकी बात भोलेनाथ से कहेंगे तो आपकी परेशानियों का अंत होना निश्चित है। आपको बस इतना करना है, शिव मंदिर में शिवलिंग के पास नंदी भगवान के पास जाकर बैठना है, उसके बाद ओम बोलकर अपनी व्यथा बताएं। हे नंदी भगवान, आप भोलेनाथ से बोलते क्यों नहीं है कि मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, वह दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं खूब पूजा पाठ करती हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद नंदी भगवान के उठे हुए पाँव के पास आपको एक मूंग का दाना अर्पित कर देना है और घर आ जाना है। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर कोई विशेष कार्य शीघ्र सिद्ध करना चाहते हैं तो सोमवार या मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे का ही कंकड़ को शंकर मानकर उस कंकड़ संकट रूपी पत्थर के ऊपर जल अर्पित कर देना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिव और शक्ति का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोल दीजिए, वह मनोकामना आपकी निश्चित पूर्ण होगी। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। कई बार कई प्रकार के दोषों के चलते घर में पैसा नहीं टिकता है, घर में लड़ाइयां होती हैं, एक बीमार होता है फिर दूसरा बीमार होता है, एक कमाओ तो सवा खर्च हो जाता है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो तो आप प्रत्येक महीने की एकादशी के दिन शिव मंदिर में जाकर एक कलश जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। आप चाहो तो स्वधा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। आप कल सोमवार एकादशी के दिन इस उपाय को करना ना भूलें। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस गए हो और इन सब से दूर होना चाहते हो तो गुरुजी का अभिषेक शिव महापुराण कथा में बताया यह आसान उपाय आप प्रत्येक सोमवार को जरूर करें। आपको बस शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर काली तिल अर्पित करना है और इसके बाद आपको एक कलश साफ जल अर्पित कर देना है, बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी उपाय की ओर। अगर आपका बच्चा गलत मार्ग में जा रहा हो, व्यसन में डूबा रहता हो, वैश्यावृत्ति शराब जैसी गलत आदतों का शिकार हो गया हो, आपकी बात भी नहीं मानता हो, तो इस नए उपाय को जरूर करें। आपको काली तिल को पीस लेना है और इस पिसी हुई काली तिल को उस बच्चे से स्पर्श करवा लें और काली तिल जो पिसी हुई है उसका शिवलिंग पर लेपन कर दें। आप चाहो तो यह उपाय शिव मंदिर में जाकर या फिर अपने घर पर भी कर सकते हो। लेपन करने के बाद एक कलश साफ जल जरूर अर्पित कर दें, भोलेनाथ की कृपा होगी और वह बुरी आदतों से स्वयं दूर होने लगेगा। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं।